बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रिंसिपल साहब, प्रोफेसर अब्दुल वाहिद बलोच, जनाब कॉमरेड अमीर बलोच साहब, सईद साहब, हमारे बुजुर्ग रहनुमा मीर अब्दुर्रहमान जमालदीनी साहब, मोहतरम व मुकर्रम उस्ताद इकराम और मेरे अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं नुश्की की तरफ निकलता हूँ, क्योंकि ये मेरी अमली ज़िंदगी का पहला स्टेशन है। जैसे पहले आपको स्टेज सेक्रेटरी साहब ने बताया, मैंने लास्ट टाइम भी वही आया था पिछले हफ्ते आपसे यही बात की कि मैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट नुश्की में था, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मीर साहब ने, अब्दुर्रहमान जमालदीनी ने तो कहा कि मुझे इस इमारत से नफ़रत है, लेकिन मुझे इससे नफ़रत नहीं है, मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे दिन गुजारे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार दिन, और मेरे बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पे थे मेरे साथ, मेरे बहुत अच्छे कुलीग्स थे। उन तलबा ने जो इज़्ज़त जो एहतराम मुझे दिया है यहाँ पे एज टीचर और तमाम टीचर्स को दिया है, यकीन करें वो मुझे उसके बाद के 30 साल सर्विस में मुझे नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। ये मैं अपनी पूरी ईमानदारी की तरफ से, और मुझे बहुत खुशी हुई पिछली मरतबा जब मैं आया, एक मैं जब यहाँ से हम जाते थे अपने बेशरलाज की तरफ, इस लॉन में जितने भी बच्चे बैठे होते थे वो हम एक होते थे, एक टीचर होता था या दो या चार जितने भी होते थे, ये सारे बच्चे हमारे एहतराम में खड़े होते थे। हम बाज़ार से कहीं कभी गुजरते तो बच्चे या होटल पे या अपने किसी दुकान पे या तड़े पे बैठे होते थे, वो एहतरामन खड़े होते थे। और लास्ट टाइम जब मैं आया, मैंने ये चीज़ देखी कि वो रिवायत अभी भी जिंदा है, और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैं मेरी बहुत ही अच्छी यादें यहाँ से नौशकी के साथ वाबस्ता है। मीर साहब अब्दुर्रहमान साहब हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग और मोहतरम रहनुमा हैं, उन्होंने कॉलेज की हिस्ट्री बताई, हमारे कॉलेज के पहले स्टूडेंट्स में से थे और यूनियन के प्रेसिडेंट, तो इनसे हम रहनुमाई हासिल करेंगे। सबसे पहले तो मैं कोशिश करूंगा इस बिल्डिंग के जो भी नकायस हैं उनको दूर कर दें, गिराने के तो हम नहीं कह सकते हैं, पुरानी बिल्डिंग है और अच्छी लगती है, ये खड़ी रहे, इसको गिरने नहीं देना चाहिए। अच्छी बिल्डिंग बनी है लेकिन इसके रिपेयर की ज़रूरत होगी, यकीनन हम इसके लिए अपनी भरपूर कोशिशें करेंगे। मैं अब्दुल वाहिद साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि यहाँ पे मुझे दावत दी, और आप बच्चों से और हमारे साथ इकराम से कुछ बातें करने का मौका दिया। मैं कॉमरेड साहब नन्नुमा मिनतवार हूँ, नन्नुम ईद करे बाजवान ईद करे इवास खुश मसुट निब्रावीट ईद करे और ना बाजवान साइकोलॉजी ने सबक हमारे के अरकस दुनिया के वो ना मादरी जबान ईद के सर वो ना बलवा सर अरे ब्रावी ईद करे करे बास खुशी मस इब्रावी पो मरे वो ईद कनिंग बास कप कने बफक बस ईद कनिंग ब्रावी ची लेकिन ई पो मरे वो पूरा बस आना रिक्वेस्ट है न्यान के ने आना चुना था सी इरा लेक्चर साल अठ बैत किलो मरे लेकिन डोज मच कम मरे ज़्यादा डोज प्यारे वो जो अनब चुना के मालूम नहीं पा रहे थे
बाज गेड़ा मैदा गंदूर होई तमिक डोजक ज्यादा मरे ओड़न वा बदाजमी मरे से अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत ही अच्छा स्कॉलर्स कर मुझे बहुत खुशी हुई इतना डिसिप्लिन माहौल देके और बच्चों को तमाम बच्चों को यूनिफॉर्म में देके मुझे इस बात से खुशी हुई कि कम से कम आज से 30 साल पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये कॉलेज आगे बढ़ रहा है और तरक्की हो रही है, बच्चे डिसिप्लिन हैं, बच्चे पढ़ने के लिए आमादा हैं। और बेटा आपने पढ़ के आपने आगे बढ़ के इस न सिर्फ नौशकी का नाम रोशन करना है बल्कि हम सब का नाम रोशन करना है, पूरे सूबे का नाम रोशन करना है। मीर साहब ने कहा कि ये बच्चे नौशकी के यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, तो मीर साहब से मैं ये कहूँगा हम बलूचिस्तान के तमाम लोग हम बहुत गरीब और पसमानदा हैं। हमें इन्हीं बच्चों से अपने इन तलबा से हमें उम्मीद है कि ये आगे बढ़ के पढ़ेंगे। आज का दौर बेटा 21वीं सदी का दौर है, ये लठमारी का दौर नहीं है, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद का दौर नहीं है, ये अमली तौर पे आगे बढ़ने का काम करने का दौर है। आप अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी नहीं बन सकते। यकीन करें अगर आपका शौक है कि आप सियासतदान बने, आप एक अवामी नुमाइंदा बने, आप एक सामाजिक कारकुन बने, तो भी आप पढ़े बगैर नहीं बन सकते। आप पढ़ोगे, आप दिल में एक जज्बा रखोगे, हुबुल वतनी का जज्बा रखोगे, अपनी कौम से, अपने इलाके से, अपनी सरजमीन से मोहब्बत रखते हो तो आपको पढ़ना होगा बेटा। आपने जिस शौक और जोक से, जिस जज्बे के साथ फुटबॉल में, क्रिकेट में और दूसरे खेलों में हिस्सा लिया है, इससे बढ़ के शौक से आपको यहाँ पे पढ़ना होगा और ये साबित करना होगा कि आप इस कौम के, इस धरती के सपूत हैं और इस धरती का खैरख्वाही चाहते हैं। हमें हमारी उम्मीदें, तमाम तर उम्मीदें आपसे वाबस्ता है और आप हमारा मुस्तकबिल आपसे वाबस्ता है। आपकी आंखों में जो चमक हमें नज़र आ रही है वो हमें ये तसल्ली देती है कि आप आगे बढ़ के इंशाल्लाह आज के दिन से बलूचिस्तान को बेहतर बनाएंगे। हमने जितनी मेहनत की है, हम जो कुछ दे सके हैं आप उससे बढ़कर इसको देंगे। आपने आगे बढ़ना है, आपने पढ़ना है बेटा। हम एक आपके लिए एक सेशन, अवेयरनेस सेशन मैं इधर करवाऊंगा, जो दूसरे सूबों में, सिस्टर प्रोविंसेस में हमारे जो रिजर्व सीटें हैं उससे हमारे बहुत सारे तलबा बिल्कुल बेखबर है। मुझे ऐसा लगता है कि नौशकी को तो पता ही नहीं है। हमारे तकरीबन 1000 सीटें सिस्टर प्रोविंसेस में बीएस की हैं, 1000 सीटें, और इसमें हमारे बहुत कम तलबा फिर होते हैं। नौशकी का मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारे इलाके इससे बेखबर है। तो हम इस साल आने वाले एडमिशन्स के लिए इस साल एक कंपेन शुरू करेंगे 2023 में पूरे तमाम कॉलेजेस में। हम अपने अफसरों को भेजेंगे, अपने प्रोफेसर साहिबान को भेजेंगे ताकि वो आपको बता सके कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके लिए आपने क्या करना है, कौन सी तैयारी आपने करनी है। आप सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग की सीटें जानते हैं, इसके अलावा आपको किसी चीज़ का नहीं पता। तो इसके लिए हम आपके लिए एक अवेयरनेस सेशन इंशाल्लाह मुनक्कद करेंगे। बाकी प्रिंसिपल साहब और हमारे बहुत ही दिलाजीज प्रोफेसर दस्तगीर साहब ने जो सफासनामा पेश किया, इन चीज़ों से हम पहले से वाकिफ हैं। हम सिर्फ अवामी सतह पे, इंडिविजुअली हम गरीब नहीं हैं,
हम हुकूमती और सूबाई सतह पर भी बहुत गरीब हैं, इन चीज़ों का हमें पता है। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ कि इस कॉलेज की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको असातिज़ा की है। मैं साइंस कॉलेज में कोई 4-5 साल प्रिंसिपल रहा हूँ, वहाँ पे 150 टीचर होते थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के 10,000 बच्चों के लिए वो नाकाफी होते थे, हमें पता था। मुझे ये पता है कि 1600 तलबा के लिए 30 टीचर कुछ भी नहीं है। इवन अगर आपके तमाम पोस्टें फिल हो जाती हैं, 74 के 74 पोस्टें हम टीचर आपको दे देते हैं, फिर भी इन तलबा के लिए ये काफ़ी नहीं। तो हमारी कोशिश होगी, हमारी अवलिन कोशिश होगी, हमारे DMO साहब बैठे हुए हैं, पहले भी हमने एक ट्राई मारी थी, अपनी तरफ से कोशिश की थी कि हम नुश्की को कुछ टीचर्स दे सके, लेकिन हम उसमें नाकाम रहे, लेकिन हम उस पर आराम से नहीं बैठेंगे। हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको सबसे पहले तो आपको टीचर्स दे दें, ताकि कम अज कम नुश्की एक बड़ा शहर है, बड़ा कॉलेज है। यहाँ पे तो कोई ये ना कहे कि मेरे अंग्रेजी का उस्ताद नहीं है, मेरे केमिस्ट्री का उस्ताद नहीं है, जो की सब्जेक्ट्स है। अफसोस तो इस बात पे होते, हमें इस पे शर्म आती है कि आपको हम आपके जो इंतहाई अहम मजामीन हैं उसके टीचर भी पूरे नहीं दे सकते। तो मेरे दरख्वास्त होगी अपने DMO साहब से, रीजनल मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है नेकौर बोलो साहब से, कि वो इस सिलसिले में हमारे साथ तावन करें और एक प्रपोजल बना के दे दें। मैं एज इट इज़ उसको बाएंड उठा के सेक्रेटरी साहब भी रक्षा डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि ये सबसे बड़ा कॉलेज है इस डिवीजन का और इसकी सबसे ज़्यादा खिदमत होनी चाहिए। तो इसी तरह सोलर सिस्टम, मैं प्रिंसिपल साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे कुछ कॉलेजेस में सोलर सिस्टम लगा हुआ है और इंतहाई ज़रूरी है तमाम। अभी हमें अपने घर में भी अगर हमें हमारे बस चले तो हमें सोलर सिस्टम लगाना चाहिए, अभी तमाम इदारों में सोलर सिस्टम, क्योंकि बिजली तो होती नहीं है। यह अल्लाह ताला की तरफ से जो एनर्जी मिल रही है इसका हम इस्तेफादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बंद नहीं होना है। तो जो आपके पास दूसरे फंड से मदद में से कुछ पैसे बचते हैं तो आप इस पर लगा लें, और जितने आपके इसके लोकल फंड से खर्च करने पड़े इसके लिए, और सिर्फ ख़ासतौर पर CCTV कैमरा के लिए, तो आप मुझे लिख के मैं इसके लिए इजाज़त दे दूँगा, आप इसको पूरी तौर पर जितना जल्दी हो सके ये वो कर लें। अच्छा, कंप्यूटर लैब और डिजिटल लाइब्रेरी, ये इंतहाई ज़रूरी है। हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए कंप्यूटर्स का फौरी तौर पे इंतज़ाम कर ले, और डिजिटल लाइब्रेरी के, डिजिटल लाइब्रेरी में आप अपनी लाइब्रेरी में एक कंप्यूटर के साथ बैठ जाएं या इवन अपने मोबाइल के साथ बैठ जाएं तो आप दुनिया जान की लाइब्रेरीज का सर्च कर सकते हैं। उसमें जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, उसमें जो किताबें होती हैं, जो कुछ भी होता है उसको आप सर्च कर सकते हैं। इसमें हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह नुश्की कॉलेज हमारी प्रायोरिटी पे होगा। मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा अपने DMO साहब से कि ये चीज़ें एक प्रपोजल की शक्ल में हमारे पास हमारे सामने रखते हैं। बसेज हमारे पिछले बजट में भी थे, इस बजट में भी है, लेकिन बदकिस्मती से उस पर किसी ने एक शरारत की और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी कि जी लोग लग्जरी गाड़ियां लेते हैं, डिपार्टमेंट्स के अफसरान जो हैं उनके लिए, और बलूचिस्तान एक गरीब सूबा है, उसमें हमारी बसें स्टूडेंट्स के लिए जो इंतहाई ज़रूरी है, जो हमारी मजबूरी है, वो भी उस पर बैन है पिछले साल से। अब हमें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम अदालत में जाएंगे इसी फैसले के खिलाफ कि भाई हमारे बच्चों के लिए बस तो दे दें, ये तो कोई लग्जरियस चीज़ नहीं है, ये आयाशी के लिए नहीं होते, ये ज़रूरत है, इंतहाई ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह उनमें से आपका हिस्सा नुश्की कॉलेज का हिस्सा नुश्की को ज़रूर मिलेगा। बाकी जो कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए ऑडिटोरियम है, आपका पार्किंग स्टैंड है, सिक्योरिटी रूम है, कैफेटेरिया है, इन तमाम को हम PHDP में डालेंगे, इसकी मंजूरी
इसकी मंजूरी फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट में देते हैं, उसके लिए हम फाइट करेंगे, इसके लिए लड़ेंगे, इसके खातिर हम आरसी के पास जाएंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको ये वाकई भी ये ऐसी कोई लग्जरियस आइटम्स नहीं है, ये आप हमारे कॉलेज की ज़रूरत है, कैफेटेरिया भी आपकी ज़रूरत है, सिक्योरिटी रूम भी ज़रूरत है, पार्किंग स्टैंड और ऑडिटोरियम। आज आप इधर क्यों बैठे होते, आपको ऑडिटोरियम होना चाहिए, आपकी जो आपका हक है, 50 साल पुराना कॉलेज है, इसमें ऑडिटोरियम नहीं है, इस पर हमें शर्मिंदगी होती है। लेकिन इसके लिए हम वादा हमारा ये है कि हम चूंकि हम अथॉरिटी डायरेक्टरेट अथॉरिटी नहीं है कि इसकी मंजूरी दे दे, डायरेक्टरेट इसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और इसके लिए लड़ सकता है, इंशाल्लाह ये वादा हम अपना पूरा कर लेंगे। बाकी अपग्रेडेशन की बात मीर साहब ने की, हम कॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं, उस वक्त हम इसको यहाँ पे बी एस स्टार्ट करेंगे, स्टेट डिग्री प्रोग्राम तो चल रहा है, इसको हम अनकरीब इंशाल्लाह बी एस में 8 सेमेस्टर बी एस में 4 ईयर प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इतना मौका हमें दे दें कि हम वायद साहब को इतने काफ़ी तादाद में टीचर दे दें कि वो बी एस शुरू कर सकते हैं। इनकी भी बड़ी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है कि यहाँ पे 8 साल मजीद स्टूडेंट्स यहाँ पढ़े, फिर हम उसको आगे भेज देंगे। तो ये भी हमारा वादा है, जो जो ही आपको टीचर मिल गए, वाहिद साहब से हमारी गुजारिश है कि जब भी आपको टीचर मिल गए वो आपको बी एस शुरू करा देंगे। मैं एक बार फिर आपको तमाम तलबा का जिन्होंने इन गेमों में हिस्सा लिया और हमारे मौजूदा असातिज़ा इकराम और स्पोर्ट्स अफसर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एक इंतहाई सेहतमंद दिलचस्प वो है एक्टिविटी है जो आप लोगों ने फाय तकमील तक पहुँचा है और मुझे बहुत खुशी होती है। तलबा से हमारी गुजारिश है कि आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर ले और साथ साथ अपने अपनी पढ़ाई को भी पीछे न छोड़ें। जो बच्चे जो टीमें इसमें फर्स्ट आई हैं, जो जीत गए हैं, जो सेकंड आई हैं, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन इनसे बढ़कर उन बच्चों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जो किसी नंबर पे नहीं आ सकते। वो कहते हैं ना गिरते शेर सवारी मैदान जंग में, आपने मेहनत की, आपने मुकाबला किया, अगर आप फर्स्ट नहीं आए हैं तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप फिर भी आ सकते हैं, इस अपनी जदोजहद को आप जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।